बम्बेवा गांव है जी। देखो आप किन चुनावी मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ रहे हो? सबसे पहले तो मैं सभी ग्राम वासियों को जो है दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मुद्दे जो है सबसे पहले तो जो है ना पीने के पानी का एक विशेष मुद्दा है कि हमारे गांव में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अगर ग्रामवासी मेरे का आशीर्वाद देंगे तो मैं पीने की पानी की समस्या का हल करने का पूरा कोशिश करूंगा। आपके गांव में शिक्षा के क्षेत्र में? हाँ जी, और जो है पानी का ये एक मुद्दा और है कि गांव का जो गंदा पानी है उसकी निकासी या कोई समाधान नहीं है, तो इसकी निकासी या समाधान कराएंगे सरकार से बातचीत करके, पाइप वगैरह दबवा के इसको जो है ना ड्रेन के अंदर छुटवा दें। खेतों में आने जाने के कच्चे रास्ते हैं। खेतों में जो आने जाने के जितने भी कच्चे रास्ते हैं अगर ग्रामवासी मुझे आशीर्वाद देते हैं तो हर खेत का रास्ता पक्का करवा जाएगा। खेलकूद के क्षेत्र में आप क्या करवाने का प्रयास करेंगे? खेल कूद के क्षेत्र में ऐसा है कि हमारे गांव के स्कूल के अंदर जो है ना पानी भरा रहता है, ग्राउंड के अंदर भरत कराएंगे सबसे पहले। और जो है ना भरत कराने के बाद में हमारे गांव में स्टेडियम बना हुआ है लेकिन खेल का सामान नहीं है, और खेल का सामान जो है ना हम उपलब्ध कराएंगे। और ग्रामवासियों ने अगर हमें आशीर्वाद दिया तो एक लाइब्रेरी बनाएंगे गांव के अंदर जिसमें तरह तरह की किताबें होंगी, जो बच्चे हैं वो उनको पढ़ के उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अगर ग्रामीण आपको मौका देते हैं तो महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहोगे? महिलाओं के लिए तो अब ये मेरी माता और बहनें हैं जो 1-1 किलोमीटर से पानी लेके आती हैं पीने के पानी की, तो इनको जो ना पीने का पानी घर पर ही उपलब्ध करा जाएगा। जैसे गांव में लड़कियों को स्कूल में तो खंडा देते हैं लेकिन कॉलेज में नहीं खंडाते, तो इसके बारे में आपका क्या प्रयास रहेगा? तो इसमें यह है कि मेरा गांव जो है ना एक तरफ है थोड़ा मेन रोड से, बस सुविधा नहीं है, तो इसमें हम जो ना गांव में जो ना बस चलवाएंगे और बस होने के बाद में लड़कियां भी आराम से टाइम पे स्कूल में जा सकेंगी कॉलेज में और टाइम से घर आ सकेंगी। लड़कियां ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में पढ़ें, उच्च शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए क्या प्रयास रहेगा? भाई अपनी लड़कियों को बहनों को यही कहेंगे कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, अगर मान लिया गया किसी का कमज़ोर हिसाब किताब बनता है, कमज़ोर भी होता है क्योंकि देखो जमींदारी का काम है, हर आदमी के पास पैसा नहीं होता, तो उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से और उनको बस सुविधा भी देंगे और कोई सुविधा देनी होगी तो वो भी देंगे। एक गांव में गरीब भी रेखा से नीचे बहुत ज़्यादा घर होते हैं, उनके और गरीबों को उठाने के लिए उनके आपके क्या प्रयास रहेंगे? मेरे ये प्रयास रहेंगे कि भाई जो भी गरीब आदमी है सबसे पहले तो गरीब को जो है ना रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। अगर उनके पीले कार्ड नहीं है तो पीले कार्ड बनवाएंगे, जो सरकार कार्ड पे सुविधा देती है वो लेंगे। अगर किसी के पास प्लाट नहीं है तो सरकार से जो है ना दरख्वास्त करेंगे कि भाई उनको प्लाट दिया जाए। अगर किसी के पास जो है ना छत नहीं है रहने के लिए तो कोशिश करेंगे सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि भी उनका मकान बनवा जाए। क्या संदेश देना चाहोगे जनता को? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर ग्रामवासी मुझे आशीर्वाद दें तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तन मन धन से गांव में जो है ना मौजूद आदमियों की एक कमेटी बना करके अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करूँ। लोगों से क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं और मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ और मैं सभी ग्रामवासियों के सहयोग से 5 साल अच्छा काम करता रहूँगा। धन्यवाद।